रावलपिंडी में पाकिस्तान पर शिकस्त के गहरे बादल। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे इनिंग्स में बैटर्स का फ्लॉप शो। शान मसूद 14, बाबर आजम 22, अब्दुल्ला शफीक 37, सऊद शकील और सलमान आगा खाता खोले बगैर आउट हुए। मैच बचाने के लिए मोहम्मद रिजवान आखिरी उम्मीद। रावलाकोट में हौलनाक हादसा। आजाद पतन के करीब मुसाफिर कोस्टर खाई में जागिरी, 23 अफराद जांबहक, अक्सर का ताल्लुक पलंदरी से है। कमिश्नर रावलाकोट के मुताबिक बस में सवार तमाम अफराद जांबहक हुए। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू कर दी गई। लसबेला के करीब ईरान से आने वाले जायरीन की बस खाई में जागिरी, 11 अफराद जांबहक, 33 जख्मी हुए। बस ईरान से पंजाब वापस आ रही थी। जायरीन में से बेशतर का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद पहुंचाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कच्चा हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल बिलाल को एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल किया गया। गोलियां लगने से बिलाल की रीढ़ की हड्डी और असाबी निजाम मुतासर हुआ। इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। मरीम नवाज बोली, जख्मी होने वाले कांस्टेबल हमारे हीरो हैं, मुकम्मल बहाली तक भरपूर साथ देंगे। पंजाब पुलिस का मुगवी अहलकार अहमद नवाज को बाहिफाजत बाजियाब कराने का दावा। डाकू माचका हमले के बाद कांस्टेबल को साथ ले गए थे। पुलिस का कच्चे को डाकुओं से पाक करने का अज़्म। शहबाज शरीफ सफारती सियासी और मुआशी महाज पर मेहनत कर रहे हैं। मुल्की खुशहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की गुफ्तगू, कहा मुल्क को जान बूझ कर नुकसान पहुंचाने वालों का अंजाम भयानक होता है। मुल्क दो लख्त करने वालों का अंजाम बहुत बुरा हुआ। अलीमा खान और बुशा बीबी में पार्टी पर कब्जे की खबरें हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती हैं, हकीकत नहीं। पार्टी बानी पीटीआई की है, वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का रद्दअमल, कहा इख्तलाफात शरीफ खानदान में हैं। शहबाज और नवाज ग्रुप की आपस की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। नंद भावज में जमान पाक के बाद लड़ाई, पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। आपको बुशरा बीबी जानती है ना अलीमा खान, आप 3 में हैं ना 13 में। असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब, कहा नून में से शीन निकालने वाला एक बाजीगर 40 दिन का चिल्ला भी काट चुका है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट के पैसे अवाम दे रहे हैं, फिर भी आईपीपीस को इनकम टैक्स की छूट दी जा रही है। अक्सर आईपीपीस पैसे पूरे कर चुके, जिनके मुआहदे पूरे हो गए इनको फारिग करो, जिनके प्लांट खराब हो चुके उनको बंद करो। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कैपेसिटी चार्जेस नहीं देंगे, आईपीपीस का घेराव करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर का ऐलान, कहा आईपीपीस ने निचोड़ कर रख दिया। किसानों को सस्ती बिजली फराहम की जाए, अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। और फवाद शुक्र के कत्ल का बदला, हिजबुल्ला का इसराइल पर बड़ा हमला। 320 से ज्यादा रॉकेट और 100 से ज्यादा धमाका खेज ड्रोन फायर कर दिए। 11 फौजी अड्डों और चौकियों को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। इसराइली वजीर दिफा का 48 घंटों के लिए इमरजेंसी सूरत हाल का ऐलान। तल अबीब आने और जाने वाली परवाजें मुअत्तल। नेतन्याहू कहते हैं, जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। अमरीकी सदर भी मुतहर्रिक, कौमी सलामती की टीम से ब्रीफिंग ली।